शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई, फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके हां और मुकर्रर है, फिर भी तुम्हें काफिरों इस बारे में शक करते हो। और आसमान और जमीन में वही अल्लाह तो है, वो तुम्हारी पोशीदा और जाहिर सब बातें जानता है और तुम जो काम करते हो वो सबसे वाकिफ है। और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी इन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब इनके पास हक आया तो उसको भी इन्होंने झुटला दिया, सो इनको उन चीजों का जिनसे ये हंसी करते हैं अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार मेघ बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थीं, फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी। और ऐ पैगंबर, अगर हम तुम पर कागज में लिखी हुई कोई तहरीर नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ साफ जादू है, और कहते हैं कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो इनकी तस्दीक करता, और अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता, फिर इन्हें मोलत भी ना दी जाती। नीज अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे मर्द की सूरत में ही भेजते, और जो शुबा ये अब करते हैं उसी शुबे में इन्हें डाल देते। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ हंसी होती रही है, फिर जो लोग उनसे हंसी किया करते थे उनको हंसी करने की सजा ने आ घेरा। कहो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कहो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है, कह दो अल्लाह का, उसने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है, वो तुम सबको कयामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है और वो सुनता है जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं, कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बनूं, और ये कि ऐ पैगंबर तुम मुशरिकों में न होना। ये भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से उस रोज अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं, वो हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है और वो दाना है खबरदार है। इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीने इंसाफ किसकी शहादत है, कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है, और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? ऐ पैगंबर कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता, कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इनको यानी हमारे पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयतों को झुटलाया? कुछ शक नहीं कि जालिम लोग कामयाब नहीं होंगे। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वो तुम्हारे शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे, देखो इन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे सब इनसे जाता रहा, और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान धरते हैं, और हमने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ ना सकें, और कानों में बोझ डाल दिया है कि सुन ना सकें, और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं। यहां तक कि जब तुम्हारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं
तो जो काफिर हैं कहते हैं ये कुरान और कुछ भी नहीं सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इस बात से बेखबर हैं। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हां ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं, तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर कयामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने कयामत के बारे में की। और वो अपने आमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे, देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं, क्या तुम समझते नहीं। हमको मालूम है ऐ नबी कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी पैगंबर झुठलाए जाते रहे तो वो तकजीब और ईजा पर सब्र करते रहे यहां तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंचती रही और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुंच चुकी हैं तो तुम भी सब्र से काम लो। और अगर इनकी रूगर्दानी तुम पर शाक गुजरती है तो अगर ताकत हो तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी तलाश कर लो, फिर इनके पास कोई मौजजा लाओ। और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता, बस तुम हरगिज नादानों में न होना। बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं और मुर्दों को तो अल्लाह कयामत ही को उठाएगा फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जमीन में जो चलने फिरने वाला हैवान या अपने परों से उड़ने वाला परिंदा है उनकी भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं, हमने किताब यानी लौहे महफूज में किसी चीज के लिखने में कोताही नहीं की। फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया वो बहरे और गूंगे हैं, इसके अलावा अंधेरों में पड़े हुए हैं, जिसको अल्लाह चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। कहो काफिरों भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ मौजूद हो तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, अगर सच्चे हो तो बताओ। नहीं बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो। और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे फिर उनकी नाफरमानियों के सबब हम उन्हें सख्तियों और तकलीफों में पकड़ते रहे ताकि आजिजी करें, तो जब उन पर हमारा अजाब आता रहा वो क्यों नहीं आजिजी करते रहे, मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे और जो काम वो करते थे शैतान उनको उनकी नजरों में आरास्ता कर दिखाता था। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। इन काफिरों से कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे। देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं फिर भी ये लोग रूगर्दानी किए जाती हैं। कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबर आने के बाद आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा।
और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को, फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकुकार हो जाए तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब पहुंचेगा। कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूं, और न तुमसे ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूं जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे, और जानते हैं कि उसके सिवा न तो उनका कोई दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, उनको इस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और उसकी तवज्जो के तालिब हैं, उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब आमाल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं। बस ऐसा ना करना, अगर उनको निकालोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और इसी तरह हमने बाज लोगों की बाज से आजमाइश की है कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की निस्बत कहते हैं, क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है? क्या अल्लाह शुक्र करने वालों से वाकिफ नहीं? और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे कहो सलामुन अलैकुम, तुम्हारे रब ने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करती हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो, और इसलिए कि गुनहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए। ऐ पैगंबर, कुफार से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। यह भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा, ऐसा करूं तो गुमराह हो जाऊं और हिदायत याफ्ता लोगों में न रहूं। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की दलील रोशन पर हूं और तुम उसकी तकजीब करते हो। जिस चीज यानी अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है, ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज के लिए तुम जल्दी कर रहे हो अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताबे रोशन में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए, फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर कयामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो भला तुमको जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन निकाल लाता है जबकि तुम उसे आजिजी से और चुपके चुपके पुकारते हो, और कहते हो अगर अल्लाह हमको इस तंगी से नजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों। कहो कि अल्लाह ही तुमको उस तंगी से और हर सख्ती से नजात बख्शता है, फिर भी तुम उसके साथ शिर्क करते हो। कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से भिड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें, और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुठलाया हालांकि ये सरासर हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूं, हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों तो उनसे अलग हो जाओ यहां तक कि वो और बातों में मसरूफ हो जाएं।
और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठे रहो, और परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं, हां नसीहत ताकि वो भी परहेजगार हों। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हां इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि कयामत के दिन कोई अपने आमाल की सजा में हलाकत में न डाला जाए। उस रोज अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, और अगर वो हर चीज जो रूए जमीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल न हो। यही लोग हैं कि अपने आमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए, सो इनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे। कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके न बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो, और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रस्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने, और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो, और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही तो है जिसने आसमान और जमीन को तदबीर से पैदा किया है, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बरपा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी, वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है और वही दाना है खबरदार है। और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में हो। और हम इस तरह इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दाए तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा, कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे लोगों जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं, मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हां जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है, क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमनो बेखौफी का ज्यादा हकदार है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया उनके लिए अमनो बेखौफी है, और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है खबरदार है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी, और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जकरिया और यहया और ईसा और इलियास को भी, ये सब नेकूकार थे, और इस्माइल और अलियसा और यूनुस और लूत को भी, और इन सबको दुनिया जहां के लोगों पर फजीलत बख्शी थी, और बाज को उनके बाप दादों और औलाद और भाइयों में से भी, और उनको बरगुजीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। ये अल्लाह की हिदायत है
इस पर अपने बंदों में से जिसे चाहे चलाए, और अगर वो लोग शिर्क करते तो जो आमाल वो करते थे सब जाया हो जाते। ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफार इन बातों से इनकार करें तो हमने इन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो इनसे कभी इनकार करने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो तुम इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इसका कोई सिला नहीं मांगता, ये तो दुनिया जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है। और इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी जाननी चाहिए थी न जानी, जब इन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया। कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी, और जिसे तुमने अलहदा अलहदा और आग पर नकल कर रखा है कि उनके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो। और तुमको वो बातें सिखाई गईं जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। कह दो इस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया था, फिर इनको छोड़ दो कि अपनी बेहुदा बकवास में खेलते रहें। और वैसी ही ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और जो इसलिए नाजिल की गई है कि ए नबी तुम मक्के और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कुछ भी वही ना आई हो। और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है उसी तरह की मैं भी बना लेता हूं, और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ति हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनसे दरख्त वगैरह उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है, यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहां बहके फिरते हो। वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है, और उसी ने रात को मूजिब आराम ठहराया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बना दिया। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं, जो गालिब है इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रस्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मेह बरसाता है, फिर हम ही जो मेह बरसाते हैं उससे हर तरह की नबातात उगाते हैं, फिर उसमें से सब्ज पौधे निकालते हैं और उन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार, जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं, और इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया हालांकि इनको भी उसी ने पैदा किया, और बेसमझे झूठ बोहतान उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की। वो उन बातों से जो उसकी निस्बत बयान करते हैं पाक है, और उसकी शान इन बातों से बुलंद है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, उसकी औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं, और उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज से बाखबर है। यही औसाफ रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज का पैदा करने वाला है, तो उसी की इबादत करो, और वो हर चीज का निगरान है। वो ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती जबकि वो निगाहों का इदराक कर लेता है, और वो भेद जानने वाला है, खबरदार है। ऐ पैगंबर इनसे कह दो
कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुंच चुकी हैं, तो जिसने उनको आंख खोलकर देखा उसने अपना भला किया और जो अंधा बना रहा उसने अपने हक में बुरा किया, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये ना कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो, और ताकि हम समझने वाले लोगों के लिए तशरीह कर दें। और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है उसी की पैरवी करो, उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से किनारा कर लो। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया और न तुम उनके दारोगा हो। और जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे। इस तरह हमने हर एक उम्मत के आमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं, फिर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो इनको बताएगा कि वो क्या क्या किया करते थे। और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं, और मोमिनों तुम्हें क्या मालूम है, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानियां आ भी जाएं तब भी ईमान न लाएं। और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर न लाएंगे। और हम इनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे गुफ्तगू करने लगते और हम सब चीजों को इनके सामने लामौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात यह है कि ये अक्सर नादान हैं। और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था, वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वह ऐसा न करते। सो इनको और जो कुछ ये इफ्तिरा करते हैं उसे छोड़ दो। और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकी बातों पर मायल हों और वो इन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगे। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा और मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ साफ मजामीन वाली किताब भेजी है। और जिन लोगों को हमने किताब यानी तौरात दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल हुई है, सो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सुनता है जानता है। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं, अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। सो जिस चीज पर ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो उसे खा लिया करो। और सबब क्या है कि जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम उसे न खाओ, हालांकि जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी हैं वो एक एक करके बयान कर दी हैं, बेशक उनको नहीं खाना चाहिए मगर उस सूरत में कि उनके खाने के लिए नाचार हो जाओ। और बहुत से लोग बेसमझे बूझे अपने नफ्स की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं। कुछ शक नहीं कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। और जाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह तर्क कर दो। जो लोग गुनाह करते हैं वो अनकरीब अपने किए की सजा पाएंगे। और जिस चीज पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। और शैतान लोग अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हुए। भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए से वो लोगों में चलता फिरता है, कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही ना सके। इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को मौका दिया कि उसमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर हैं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है
जब तक उसी तरह की रिसालत हमको न मिले हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा मौका है और वो अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए। जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहां जिल्लत नसीब होगी और अजाब शदीद होगा, इसलिए कि मक्कारियां करते थे। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है, और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं, उनके लिए उनके आमाल के सिले में परवरदिगार के यहां सलामती का घर है और वही उनका दोस्त है। और जिस दिन वो सब जिन्न और इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ऐ गिरोह जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार हम एक दूसरे से फायदे हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा अब तुम्हारा ठिकाना दोजख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे, मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है खबरदार है। और इसी तरह हम जालिमों को उनके आमाल के सबब जो वो करते थे एक दूसरे के करीब कर देंगे। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हारे इस दिन के सामने आ मौजूद होने से डराते थे? वो कहेंगे कि परवरदिगार हमें अपने गुनाहों का इकरार है, और उन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था और अब खुद उन्होंने अपने ऊपर गवाही दी कि कुफ्र करते थे। ए नबी, ये जो पैगंबर आते रहे और किताबें नाजिल होती रहीं, तो इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के रहने वालों को कुछ भी खबर ना हो, और सब लोगों के बलिहाज आमाल दर्जे मुकर्रर हैं, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो बेनियाज है, साहिब रहमत है, अगर चाहे तो ऐ बंदो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीन बना दे, जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है। कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो पूरा होने वाला है, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। कह दो कि लोगो, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूं, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा। कुछ शक नहीं कि मुशरिक कामयाब नहीं होंगे, और ये लोग अल्लाह ही की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और मवेशियों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं और अपने ख्याल बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके शरीकों की तरफ जा सकता है। क्या आप बुरा हुक्म लगाते हैं? इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों यानी शैतानों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है, ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर खल्त मल्त कर दें, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा न करते। सो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ। और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये मवेशी और खेती मना है, इसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए, और बाज मवेशी ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर जबह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ है, वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा। और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन मवेशियों के पेट में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब अल्लाह उन्हें उनकी इस तजवीज पर सजा देगा, बेशक वो हिकमत वाला है खबरदार है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफी से नासमझी से कत्ल किया और अल्लाह पर इफ्तिरा करके उसकी अता फरमाई हुई रोजी को हराम ठहराया, वो घाटे में पड़ गए, वो बिलाशुबा गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ
और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो, और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी, बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, दो दो भेड़ों में से और दो दो बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और दो दो ऊंटों में से और दो दो गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको? भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे? अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे? कुछ शक नहीं कि अल्लाह सालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सुअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी, और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनाहगार लोगों से नहीं टलेगा। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते और न हमारे बाप दादा शिर्क करते और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहां तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं, फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगो आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं, उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसुलूकी न करना बल्कि हुस्न सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं, और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास ना फटकना, और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल ना करना मगर जायज तौर पर यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी ना जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो गो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो, इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों
ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए, और इसलिए उतारी है कि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे, या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रस्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और किस बात के मंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही, तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। यह भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूं। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और आका तलाश करूं, जबकि वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तिलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा, और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नाइब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब देने वाला है, और बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान भी।